हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल जो कि आप इजीली साड़ी पे कर सकते हो। सेल्फ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, खुद से आप अपना ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। इस तरीके से मैं ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ले रही हूँ। ओके, दोनों तरफ से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे और बैक के सारे हेयर को एक पोनी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा नीचा पोनी भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बनाना है। ओके, अच्छे से कॉम करके और पोनी बना लेनी है। पोनी को थोड़ा सा ऊंचा आप देख सकते हो, इतना ऊंचा मैं बना रही हूँ, 2-3 फिंगर्स ऊंचा। यहाँ पे आपको रबड़ बैंड लगा लेना है। ओके, टाइटली मैंने रबड़ बैंड लगा लिया है, मोटा वाला रबड़ बैंड यूज किया है। आप मोटे वाले रबड़ बैंड की मदद से आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच रही हूँ जिससे कि मेरा जो बालों में है वो क्राउन एरिया पे वॉल्यूम आ जाए एक अच्छा सा। ओके, तो इस तरीके से आपको भी खींच लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने जो हेयर हैं इनको आप सिंपली फ्रेंच चोटी बनाएंगे एक। आप चाहो तो साइड पार्टीशन भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन कर ले रही हूँ। अब अपना देख लेना कौन आपके फेस पे कैसा सूट कर रहा है। मेरे फेस पे मुझे बीच का ही पार्टीशन अच्छा लग रहा है तो मैं बीच का ही रख रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं हेयर को लूँगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेयर इसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, अच्छे से बनाते जाएंगे। पूरा अच्छे से एंड तक चोटी को गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद से साइड से थोड़ा थोड़ा सा इसको लूज करेंगे इस तरीके से कि हमारा अगर स्कैल्प दिखता हो, पतले बाल होते हैं तो अक्सर हमारी स्कैल्प दिखने लग जाती है, तो लूज करके ऐसे पीछे की तरफ ले जाओगे तो यहाँ का जो स्कैल्प है वो नहीं दिखेगा। और रबड़ बैंड के पीछे ले जाके इसको सिक्योर कर देंगे या रबड़ बैंड के अंदर से इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करेंगे और इसको खींच लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको पिन नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए, इस साइड का जैसे हमने बनाया है सेम उसी तरीके से आपको इस साइड भी बना लेना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड बना लिया है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर मैं और खींच लूँगी। ओके, अब आपको पीछे का क्या करना है, सिंपली 1 रबड़ बैंड से बता रही हूँ, आप कहीं भी जा सकते हो आराम से ये वाला हेयर स्टाइल बना के। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो या फिर सिंपली आपको ये वाला ले लेना है बन मेकर। बहुत ईजी होगा, इससे बहुत आसानी से आप बन बना लोगे अपना। अब इस तरीके से नीचे की तरफ से लेके जाएंगे, एंड तक पूरा लेके जाना है और सिंपली इसको ट्विस्ट कर लेंगे। बहुत इजीली आप अपना हेयर स्टाइल बना लोगे और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो एक मोटे वाले रबड़ बैंड की मदद से आप बन मेकर आपकी चॉइस है, नहीं तो मैंने बस सिर्फ रबड़ बैंड से भी बताया हुआ है ये बन बनाने के लिए। तो देखिए कितना आसानी से हमारा बन यहाँ पे बन के रेडी हो गया। यहाँ पे हमने और कुछ भी नहीं लगाया, बस एक यू पिन लास्ट में एंड पर पार्ट पर लगा देंगे और ये हमारा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आप लोग को आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो और बहुत इजी भी हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप एक ये इस तरीके का फ्लावर ऐड कर सकते हो जिससे कि आपके बन को और भी अच्छा लुक मिल जाए। रबड़ बैंड के स्वेप थोड़ा सा छिपाते हुए इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो ये हमारा बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अच्छे से बन मेकर को हाइड करके यू पिन को लगा दीजिएगा। अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो इस तरीके से दोनों साइड से हेयर पकड़ना है,
यूपिन में लगा फंसा के उस स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच कर देना है। तो ये है हमारा आज का हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से वन हेयर स्टाइल है। इसके साथ आप बड़ी बड़ी बालियाँ, इयररिंग्स पहन सकते हो, मांगटीका ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके हेयर स्टाइल को और भी अच्छा लुक मिले। फ्रेंड्स, अगर आप वन मेकर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपको सिंपली वन रबर बैंड से चाहिए, वन मोटे वाले रबर बैंड से हेयर स्टाइल चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसको तो चोटी बना लेनी है। सिंपल सी चोटी गूंथ लीजिए। ज़्यादा टाइट मत गूंथिएगा, थोड़ा सा लूज में ही रखना है। एंड तक पूरा गूंथ लेना है। एंड तक गूंथने के बाद से अपने रबड़ बैंड के ऊपर, जैसे मोटा वाला रबड़ बैंड है तो ये थोड़ा सा बन को बड़ा दिखाने में भी हमारी हेल्प करेगा। और एक यू पिन ऐड कर दीजिए यहाँ पे। अब सिंपली दूसरी साइड के हेयर को भी छोटी बना दीजिए। पूरा एंड तक इसको भी छोटी बना लेना है। अब इसको दूसरी साइड से लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे एंड पार्ट को हाइड करते हुए। यू पिन लगाने का सही तरीका क्या होता है, इस तरीके से बाल में फंसाइए और स्कैल्प के हेयर के साथ इसको अटैच कर दीजिए। और जहाँ पे भी आपको रबर बैंड दिख रहा है उस तरीके से खींच के इसको और रबर बैंड को हाइड कर दीजिए। सिर्फ दो यू पिन लगे हमारे और ओनली वन रबर बैंड, और ये हमारे बन का फाइनल लुक है। इसको आप डेकोरेट कर सकते हो गजरे के साथ, जिससे आपको अच्छा लगे। तो ये थे आज के लिए, पहले आप बन का फाइनल लुक देख लो। तो ये थे आज के लिए दो ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल, जो कि आप पार्टी वार्टी में भी कर सकते हो, नॉर्मली आप कहीं जा रहे हो तो भी कर सकते हो और बहुत आसानी से बन जाएगा आपका हेयर स्टाइल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।